फिल्म बरेली की बर्फी स्टार करती है कीर्ति सनन, आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव को, जिसे डायरेक्ट किया है अश्विनी अय्यर तिवारी ने। पिछले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा ने धमाल मचाया था। इस हफ्ते बरेली की बर्फी रिलीज हो चुकी है। बरेली की मिश्रा सदन में रहने वाली बिट्टी मिश्रा को पिता ने बेटे की तरह पाला है। वो पिता के पॉकेट से सिगरेट निकालकर पीती है, शराब से उसे परहेज नहीं है, बड़ों का सम्मान करना उसने सीखा नहीं है, आधी रात तक घर से बाहर रहती है, ऐसी लड़की की कहानी है। उसका ये रवैया देखकर उसके लिए सारे रिश्ते जो आते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसी कड़क है ये बरेली की बर्फी। कीर्ति सनन किरदार में काफी फिट हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आयुष्मान खुराना पूरी फिल्म पकड़ने वाले हीरो नहीं हैं। राजकुमार राव का जो रोल है काफी ठंडा लिखा गया है, जिसमें लेखकों की गलती है। उन्होंने राजकुमार राव के टैलेंट को अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया है। फिल्म की अच्छी बात ये है कि कहीं कहीं फिल्म रोचक है, कुछ संवाद आकर्षक हैं और गुदगुदाते हैं। फिल्म की मुश्किल ये है कि कस्बाई नायक नायिका जरूरत से ज्यादा फिल्मी है। कहानी की रफ्तार भी धीमी है। फिल्म जब तक संभलती है क्लाइमैक्स आ जाता है जो निराश करता है। अगर आपने अश्विनी तिवारी की फिल्म नीलबत्ता सन्नाटा देखी है तो आप इस फिल्म को देखकर थोड़े से निराश जरूर होंगे। बिट्टी के माता पिता के रूप में सीमा भार्गव और पंकज त्रिपाठी फिल्म को कई मौकों पर संभालते हैं। गीत संगीत में फिल्म उल्लेखनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।